Hello my friends, how are you all? Welcome back once again to my gaming channel. Artist the Gamer guys, आज हम फिर से खेलने वाले हैं Forza Horizon 5. और guys, यहाँ पर मैं आ गया हूँ एक बहुत ही मस्त स्प्रिंट रेस करने के लिए. और यहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत ज्यादा मजे हमेशा की तरह. गाइस देखते हैं कौन सी रेस. एक्चुअली मैं ये रेस करना चाहता हूँ Porsche से कर लेते हैं गाइस, क्योंकि मैं एक्चुअली Porsche, मेरे पास जो कार्स हैं सबसे ज़्यादा फास्ट Porsche है. चलानी मुझे थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छी तरह से इसकी हैंडलिंग करना सीख जाऊँ, क्योंकि फास्ट कार चलाने के लिए तो हम Forza में आए हैं गाइस. और अगर वही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा. तो यहाँ पर मैं ये स्प्रिंट रेस करूँगा अपनी फास्टेस्ट कार Forza के साथ. देखते हैं क्या होता है गाइस. लेट अस स्टार्ट द रेस, लेट्स गो. दूसरी वाली कार्स भी ना बहुत ही गजब गजब की हैं. बाकी कार्स भी एकदम एक्चुअली इसमें ये है, जैसे आप कार्स लोगे बाकी भी ना उसी सेगमेंट की कार्स आएंगी. तो आप Porsche ले रहे हो तो कई सारी कार्स ना इससे भी अच्छी वाली आ जाती हैं. बुकाटी और लैम्बोर्गिनी की वेरॉन सारी जो भी अच्छी अच्छी हैं, फरारी वाली, सब अच्छी अच्छी कार्स आ जाती हैं. तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है. इसलिए अगर हमारे ज़्यादा हमें हैबिट नहीं है ना अच्छी कार्स हैंडल करने की, तो फिर मुश्किल हो जाती है गाइस. काफ़ी फास्ट चल रहे हैं ना आप, अगर देख रहे हो तो बड़ा बहुत ही ध्यान से चला रहा हूँ मैं एकदम यहाँ पर. बाओ नो 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 गाइस, अरे यार ये क्या हो गया. और इन रेसेस में गाइस यही है ना कि एक बार बाहर निकले तो गए. अरे यार अब इधर आ गई, मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा हूँ गाइस रेस, आई एम सॉरी. क्योंकि आपको पता होगा जो लोग Forza खेलते हैं, एक बार बैलेंस ख़राब हुआ इधर उधर रुकी कार तो फिर हमारा जीतना इम्पॉसिबल जाता है, तो बाकी मेहनत बेकार में ही जाएगी. इसलिए मैंने अभी से रिस्टार्ट कर लिया, कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा गेम नहीं हुआ था फटाफट, क्योंकि हमारा पूरा कोशिश ये रहेगी गाइस हम रेस जीतें. जीतने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हारने के लिए नहीं. लेट्स गो. ओ ये नंबर वन है मेरे आगे, कौन है ये साइड में. और ये जो होते हैं ना नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले काफी आगे निकल गया गाइस. आपका भाई आगे आ चुका है, ये काफी फास्ट चलाते हैं, काफी मुश्किल होता है इनसे आगे निकलना. और यहाँ पर अभी हमारी रेस अभी तक तो सही चल रही है गाइस. ऊपर वाले से दुआ करो कि इस बार अगर मैं फर्स्ट आ गया तो हम ये रेस बंद कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट आने के बाद. अरे यार नहीं यार, चेक पॉइंट रह गया यार, फिर से स्टार्ट होगा पीछे से. सारे के सारे आगे निकल गए हैं, मैं एकदम लास्ट में आ गया हूँ. तो क्या करना चाहिए गाइस, थोड़ी सी चला लेता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, थोड़ा रूट दिख जाएगा. बट ये रेस जीतनी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही है मुझे गाइस, बहुत ज़्यादा. अरे यार तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे गाइस. मैं सोच रहा हूँ रिस्टार्ट ही कर लेता हूँ गेम को, क्या कहते हो, रिस्टार्ट कर ही लेते हैं गाइस, क्योंकि बेकार में सारी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि हम जीतेंगे गाइस. और आपको मैं बता दूं कि कोई भी जो रेसेस होती है ना, ये Forza में या कोई भी किसी कार रेस में, जो खतरनाक वाली रेसेस होती है ना, एक बार में तो कोई जीत ही नहीं सकता, कोई एक बार में नहीं जीत सकता, क्योंकि कहीं पे टर्न है, किसी रेस में कहीं पे टर्न है, कहाँ स्किड हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा दूर तक का तो पता भी नहीं होता. अगले एक दो टर्न देख सकते हैं, बट कहाँ कितना स्किड होगी एक्चुअली थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल होता है. बट जब दो तीन बार खेल लेते हैं तब थोड़ा आइडिया लग पाता है. और अभी तक तो हमारी रेस फिर से हम पिछली बार की तरह हो रहा है गाइस. बिल्कुल फर्स्ट वाला बंदा हमारे आगे आगे जा रहा है, हम उसके पीछे जा रहे हैं, उसको चेस करना मुश्किल हो जाता है. फर्स्ट वाले बंदे को काफ़ी सही चला रहा है, लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं दोस्त. ओ अरे स्किप हो गया क्या चेक पॉइंट. नहीं नहीं नहीं, लगता है थोड़ा बहुत तेज हो गया गाइस, मैं तो एकदम घबरा गया था. ये चेक पॉइंट ना, जब हम इतनी हाई स्पीड में अगर चेक पॉइंट के साइड से निकल गए तो उस टाइम तो हम कुछ कर भी नहीं सकते. अरे अरे यार इस बार गया अलग. अरे यार फिर से चला गया गाइस. खेल रहा हूँ मैं, क्या करें, खेलें कि नहीं खेलें. चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं, शायद से हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने. बट मन इतना कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें दोबारा से भी खेलना तो पड़ेगा. ये इतना तो पता चल गया यार. यार यहाँ पे फिर से क्रैश हुआ, स्पीड एकदम ज़ीरो हो गई है.
अब जीरो हो जाती है फिर तो गाइस बहुत ही मुश्किल होता है ये, बस 11th 10th को तो आप पीछे कर दोगे, बट जो टॉप थ्री है ना गाइस उसके लिए तो आप तभी विन हो पाओगे, फर्स्ट तभी आ सकते हो, तो जब आप बिना किसी ज़्यादा क्रैश करे हुए एकदम सही तरीके से एक बुलेट की तरह अपनी कार को चलाते रहे ना। ये बुलेट की तरह कार चलाने के लिए ही हम यह फोर्जर में आए हैं, तो वो तो हम करके ही रहेंगे। इस रेस को पूरा करके देख लेते हैं गाइस कि हम क्या पोजीशन आ सकती है इसमें, अगर हम पूरी जान अपनी अगर लगा देते हैं ना तो क्या पोजीशन आ सकती है ये हमको देख लेना चाहिए। और ये टेंथ वाले को क्या सही से पीछे किया गाइस, एकदम टर्निंग पे एकदम फुल स्पीड में। ये नाइन्थ वाला बड़ा फास्ट चला रहे भाई, अब हमें इसी तरह से करना होगा वन बाई वन। ये फिर से पीछे, चलो नाइन पीछे हुआ, अब एट की बारी है, चल साइड हो जा भाई, बड़े भैया आ गए हैं। यस, अब नेक्स्ट इज सेवंथ, देखते हैं सेवंथ हो पाता है कि नहीं। 92% हो, 93% हो गया, अब तो ज़्यादा बची नहीं रही गाइस, मुझे पूरे अपनी जान लगानी पड़ेगी, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। और ये कहाँ पर आ गए हम, शहर के बीच में, ओह माई गॉड, आखिर में चलो हमें फर्स्ट तो नहीं आना था, इस बंदे को किसी तरह से किया पीछे, सेवंथ ही आ पाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है हमारे आज गाइस इस रेस में ना। अब होगा क्या, खैर ये तो नहीं कह सकते, बट पूरी कोशिश करूंगा मैं जीतने की, और जीतना नंबर फर्स्ट रैंक ही होता है, क्योंकि कुछ कुछ रेसें हमें जीतनी चाहिए ताकि हमारे स्किल्स डेवलप होते रहें रेस करने के ना, हमारी प्रैक्टिस अच्छी रहे, जिसके लिए हम ये गेम्स खेलते हैं। और इसके बाद ही तो आता है असली मजा गाइस। सेकंड और फर्स्ट है मेरे पीछे, थर्ड पोजीशन पे चल रहा है आपका भाई, पता नहीं कब तक चल पाएगा थर्ड पोजीशन पे, आई डोंट नो, लेट्स सी गाइस। ओके, सेकंड को भी पीछे कर दिया है, अब ये फर्स्ट बचा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ यस, अभी तो हम आ गए फिलहाल, कर आराम से आराम से आराम से। अरे यार स्पीड एकदम जीरो हो गई है, ऐसे कैसे चलेगा, टच हो जा, चेक पॉइंट्स का बड़ा टेंशन रहता है गाइस, एकदम थोड़ी थोड़ी दूर पे कहीं भी चेक पॉइंट्स हो जाते हैं। और बाकी कार्स तो ना, मतलब बाकी कार्स तो एक तरह से मतलब ऑटोमेटिक चल रही हैं, तो उनको तो शायद पता हो चेक पॉइंट्स कहाँ पे हैं, हमें नहीं पता होता, तो अच्छे खासे स्किल्स चाहिए गाइस इसमें जीतने के लिए। फिलहाल तो आपका भाई पूरी कोशिश कर रहा है जीत जाए ये वाली रेस में ही, और अच्छी चल तो रही है रेस, और अरे यार नहीं 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 नहीं, बैलेंस खराब हुआ, चल 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 चल, अरे नहीं अरे यार चेक पॉइंट्स मिस हो गया ये वाला, क्या मिस हुआ था कि नहीं हुआ था गाइस, आ नहीं रहा लिखा हुआ, मिस हो गया था गाइस, क्या करें मैं, रिस्टार्ट कर देता हूँ ना गाइस, रिस्टार्ट कर देता हूँ, अगली रेस जरूर जीतेंगे, ये रेस आज जीतनी है, नहीं तो हमें जाना नहीं है कहीं भी, ये रेस जीत के रहेंगे। और गाइस इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, एक्चुअली ताकत तो हर बार लगा रहा हूँ, बट एक बार फिर से पूरी ताकत लगा दूंगा गाइस, और देखते हैं इस बार हम जीते हैं कि नहीं। और अभी हम हैं यहाँ पर सिक्स पोजीशन पे, लेट्स गो 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 गो, बिल्कुल ध्यान से साइड 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 साइड, बच गया बच गया बच गया, यहाँ से लेके आराम से आराम से, अरे यार ये सामने आ गया, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अरे यार चेक पॉइंट जाता, अभी बच गया बच गया गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बार बार खेल के ना दिमाग सा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस होकर ना कंसंट्रेट करके खेलना पड़ता है, और एक लिमिट के बाद ना जब थोड़ी देर बार 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 5-7 बार खेलो ना, उसके बाद ना दिमाग खराब होने लगता है बहुत ज़्यादा, इसे जितनी जल्दी जीत जाओ उतना अच्छा है, हालांकि एक दो बार में तो जीत नहीं सकते, 3-4 बार तो मिनिमम खेलना ही पड़ जाता है। टच हो गया, ये चेक पॉइंट का बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि टर्निंग पे आता है ना तो फिर हम प्रॉपरली उसके बीच से नहीं जा सकते, नहीं तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी आराम से, नहीं 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 नहीं, अरे यार ओह भाई ड्रम क्या उड़ता हुआ आया था एकदम मेरे पीछे, यार गाइस वो कार एकदम फर्स्ट जो आती है वो हमेशा मेरे पीछे, अभी पीछे एकदम फोकस करते हुए चलना है, एकदम आराम से आराम से आराम से, यहाँ से टर्न लगने,
चल 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 आराम से। ओ वाह गाइस, देखो आपने क्या मस्त ड्रिफ्ट करते हुए चलाया, मजा आ गया गाइस, क्या खतरनाक चलाया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा चला लिया गाइस। गजब की गजब, एकदम 60% हो गई है, अभी भी 40% बची हुई है यार। जब फर्स्ट होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जल्दी रेस खत्म हो जाए, लेकिन जब पीछे होते हैं तब सोचते हैं नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो अब देखते हैं क्या। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ बुशेस थे, मुझे लगा कि हिट कर जाएगा और स्पीड जीरो हो जाएगी, बच गए। वो कार बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है यार, एकदम घुसे जा रही है, एकदम जाने नहीं दे रही मुझे। गाइस वैसे मैं चला तो सही रहा हूँ अपनी तरीके से, मतलब अपने हिसाब से तो बहुत ही सही चला रहा हूँ जितने मेरे स्किल्स हैं, बट पता नहीं वो पीछे वाली कहीं आ ना जाए। ओ गाइस मैं जी सकता हूँ गाइस, यस गाइस, भाई आपका फाइनली जीत गया ये वाली रेस, हार नहीं मारे आपके भाई ने, पूरी जोर लगा दिए यार, आपको जीत कर दिखाया गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ही मुश्किल रेस थी ये मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, और पोर्शे से करने में ना बहुत दिक्कत होती है, कुछ बाकी सुपर कार्स में से कुछ कार्स काफ़ी बेटर होती है जिनकी हैंडलिंग, तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरी भी सुपर कार है तो उनके साथ ही रेस करनी पड़ती है, बट उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी स्पेक्स के डाउन है, बट कोई बात नहीं गाइस, भाई ने आपके जीत के दिखाया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइज, ओके बाय।